बंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गनियार में उस समय विवाद हो गया। गांव के ही कुछ लोगों ने दूल्हे के घर पर पथराव कर दिया और बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। स्थिति को नियंत्रण में लेने के बाद उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। रविवार ग्राम गनियारी में दिलीप अहिरवार की शादी थी। वह घोड़े पर बैठकर पूजन के लिए जा रहा था। इसी बात को लेकर गांव के एक पक्ष को आपत्ति थी। स्थिति गर्माते देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दूल्हे की राज निकलवाई। शाम को बारात गांव से चली गई, जिसके बाद गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने शादी वाले घर और आसपास के घरों पर पथराव कर दिया। सागर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने दूल्हे के घर और परिवार पर पथराव कर तोड़फोड़ की है। गांव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में फरियादी प्रमोद की शिकायत पर 20 से अधिक आरोपियों के खिलाफ बलवा समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी धर्मेंद्र लोधी समेत अन्य को गिरफ्तार किया है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। जहां पर 50 साल से अभी तक जब से मेरा जन्म हुआ मैंने यहां देखा नहीं कि SC वर्ग के लोगों की बारात निकलती है या रात फिरती है। उन्होंने मुझसे मदद मांगी, फिर मैंने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी और यहाँ पूरे जिले की टीम आई भीम आर्मी की और शान शौकत से DJ बाजे से 200-500 लड़कों के हमने यहाँ पूरे गांव में राज फराई घोड़े पर बैठा लकर दूल्हे को। मामले में जो है एक फरियादी ने पुलिस में रिपोर्ट करी है, उस पर से एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कि 323-294, 147-148, SC ST एक्ट और तमाम धाराओं के इसमें समावेश है। उक्त अपराध में 4 नामजद और 15-20 अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीयन है। उक्त प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत रूप से कार्रवाई करते हुए और अभी कुछ लोगों को अपनी अभिरक्षा में लिया है, जिसमें कि कुछ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी संदेहियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ हो रही है और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर मामला तू से पकड़ने लगा क्या? मामला चूँकि 2 अलग अलग व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, उसमें एक पक्ष के द्वारा जो है रिपोर्ट की गई है, द्वितीय पक्ष के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की इस संबंध में रिपोर्ट नहीं है, परंतु जो पुलिस के पास रिपोर्ट है एट्रोसिटी एक्ट के तहत, उसके तहत पुलिस जांच कर रही है, तो जांच करके उस विवेचना के बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।